हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, देखिए आज मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर पोर्चुला पर फूल आए हैं। आज काफ़ी तेज धूप थी तो देखो पोर्चुला पर कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैंने जो कुछ प्लांट्स की कटिंग की थी वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखो ये क्रोटॉन है और देखो जहाँ जहाँ मैंने इसकी कटिंग की थी वहाँ से बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं और ये मेरा पोट भर सी गया है। पहले आपने देखा होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कैसे खाली खाली था, और आज देखिए जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की है वहाँ से कितनी ब्रांच निकली हुई है। और ये है चाइना पिंक फ्लावर जो कि सर्दियों में फ्लावरिंग होती है, और देखो मेरे यहाँ ये अगस्त में ही फ्लावरिंग होने लगी है। आज तेज धूप थी तो देखो पोर्चुला पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और गुलाब पर भी दो तीन फूल खिले हुए हैं और काफ़ी सारी कलियां आई हुई हैं, और जो भी फूल झड़ता है मैं वहीं से कटिंग कर देती हूँ, तो जो भी नई ब्रांच निकलती है उन पे नई कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं। ये देखिए मेरे गार्डन में जो नया पक्षी आकर रहने लगा है, वैसे तो मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, प्लीज़ अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ये है इसके एग और ये है इसका घोंसला जिसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, और कांटेदार ये जो भी उसने यूज किया है लकड़ियां हैं, और बहुत डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं यहाँ की साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। और आज मैंने बाकी के अपने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किए हैं क्योंकि मुझे गार्डन की साफ़ सफाई करनी थी, और अब मैंने कुछ टाइम अपने गार्डन के लिए निकाला है क्योंकि गार्डन में बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। आपने देखा होगा बरसात में छोटे छोटे जाले से लग जाते हैं जो कि मेरे पॉट की साइडों में लगे हुए थे। पहले मैंने उनकी साफ़ सफाई की और फिर अब मैं पॉट की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी धूल जमी हुई थी। अब जब वो क्लियर हो जाएंगे फिर मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गार्डन की साफ़ सफाई किए हुए। अब तो मुझे भी दिखाई देने लगा था कि काफ़ी धूल जमी हुई है, तो आज मैंने एक एक पॉट को, जो भी डेकोरेशन का सामान था, मैंने सभी को आज बहुत अच्छे से साफ़ किया है। जब मैं गार्डन की सफाई करती हूँ तो बहुत सारे काम निकल आते हैं, छोटे छोटे जो पॉट हैं उनका भी पता चलता है किसमें पानी ख़त्म हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, किसमें देना है, किसकी गुड़ाई करनी है। अगर मैं रोज़ ऐसे ही देखती हूँ तो सब मुझे साफ़ सुथरा दिखाई देता है, और ये लगता है कि बस पानी डालना है, ना ही ये मालूम होता है कि इसमें खाद डालनी है या गुड़ाई होनी है। जब मैं एक एक पॉट की सफाई करती हूँ तब पता चलता है कि इसकी गुड़ाई करनी है, या ये मेरा जो भी डेकोरेशन का सामान था वो गिरा हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आ जाते हैं तो वो इधर उधर कर देते हैं। तो हफ्ते में तो मुझे अपने गार्डन को टाइम देना ही होता है, लेकिन रोज़ जर्रा की सफाई तो चलती ही रहती है। मनी प्लांट की भी कुछ लीफ थी जो येलो हो रही थी और मुझे निकालनी थी और कटिंग भी करनी थी। कटिंग तो खैर मैंने पिछले हफ्ते कर ही दी थी, लेकिन आज कुछ लीफ हैं जो निकालनी थी। रोज़ रोज़ ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों पर, लेकिन हफ्ते में मैं एक बार अपने गार्डन को बहुत अच्छे से टाइम देती हूँ। आज मेरे गार्डन की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है, तो मैं बाकी के जो प्लांट्स हैं जिनमें पानी नहीं है उनमें पानी भी दे दूँगी, तो फिर एक हफ्ते के लिए बच जाएगी। क्योंकि आपको तो पता ही है इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, तो एक दो हफ्ता मेरा आराम से निकल जाता है।
ये है एरिका पाम और मुझे इस पॉट की गुड़ाई करनी थी और मैंने इसमें पिछले हफ्ते से पानी नहीं दिया है, तो देखो मिट्टी कितने अच्छे से सूख गई है, तो मैं आज इसकी गुड़ाई करूँगी। ये मेरा एरिका पाम बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी हेल्दी है और मेरे पास एरिके पाम की सभी वैरायटी हैं। फिलहाल मेरे पास 22 एरिके पाम हैं जिसमें सभी तरह की अलग अलग वैरायटी हैं। मेरे एरिके पाम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे एरिके पाम कैसे चल रहे हैं। मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी सी मटकियाँ रख दी थी डेकोरेशन के लिए, जो कि अच्छी लगती हैं, लेकिन चीज़ें जब अच्छी लगती हैं वो जब तरीके से रखी हों और साफ़ सुथरी हों। आप खुद देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे जो पॉट की मिट्टी है कितनी पोरस है और कितनी सॉफ्ट है, कितने अच्छे से उसकी गुड़ाई हो रही है। हमारे गार्डन में कोई भी प्लांट हो उसकी मिट्टी ऐसी ही सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसी ही पोरस होनी चाहिए। मैं सभी प्लांट्स की ऐसे ही मिट्टी बनाती हूँ और आप हाथ में लेकर इसको ऐसे करके देखें कितनी भुरभुरी हो जाती है। देखो इसमें कोई बोलते हैं ना कि डली है उसको फोड़ना है, बिल्कुल नहीं, देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी है। हमें गुड़ाई करते हुए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है, ऐसे ही गुड़ाई हो जाती है। और अगर मैं हाथ से इसे ऐसे मसलूंगी तो ये बहुत सॉफ्ट, देखो कितनी फिनिशिंग के साथ, और आप देख रहे हैं कहीं भी इसमें कोई मोटी डली नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप अपने गमलों की गुड़ाई करें तो उसी दिन पानी ना दें, एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमारे पौधों को भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसकी मिट्टी को और सूखने दो और दो दिन पानी डालें, फिर देखना आपके प्लांट्स कितने अच्छे से चलेंगे। देखिए कितनी जल्दी गुड़ाई हो गई है और मैंने उसमें छोटी छोटी मटकियाँ रख दी हैं और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो मेरे गार्डन में बड़े साइज के पॉट होते हैं और जो किनारों से खाली होते हैं तो मैं उनमें कुछ ना कुछ रख ही देती हूँ, तो बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए बरसात के टाइम पॉट में कैसे वाइट वाइट फफूंदी सी लग जाती है, तो अब जैसे ही दिवाली आएगी सभी गमलों पर मैं पेंट करूंगी। अब मेरे गार्डन की साफ़ सफाई हो गई है, सब मैंने सेट कर दिया है, पानी भी दे दिया है और जिसकी गुड़ाई होनी थी वो भी कर दिया है। आज का जो मेरा काम था गार्डन में वो ख़त्म हो गया है। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो मुझे बोल रहे थे कि आपके गार्डन में पहले काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स थे, अब कहाँ चले गए, वो कहीं नहीं गए हैं। अभी जैसे बरसात थी तो मैंने उन प्लांट को बाहर रख दिया था कि अच्छे से उनमें पानी लग जाए तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे, तो मैं धीरे धीरे अब उनको अंदर रखूँगी। क्योंकि मेरी वीडियो में आपने कुछ प्लांट्स बाहर देखे होंगे, जैसे क्रोटॉन है, तो मैंने उसको बाहर इसलिए रखा है, मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग की थी तो मैंने बारिश के टाइम उनको बाहर रख दिया था, तो जैसे उनमें बारिश लगी तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि बारिश का पानी कितने अच्छे से खाद का काम करता है। मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे जैसे ही मेरे पास टाइम होगा अंदर सेट करती रहूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।